छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्राम शहपुरा के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इस मतदान केंद्र में जो है आपको बता दें कि 1063 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन दोपहर 3 बजे तक एक भी वोटर मतदान केंद्र नहीं पहुंचा। दरअसल छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्राम शाहपुरा के रहने वाले कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता नीरज ठाकुर को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके कारण नीरज ठाकुर छिंदवाड़ा जिले की चौराई विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। वहीं नीरज को टिकट नहीं मिलने से नाराज गाँव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बता दें छिंदवाड़ा विधानसभा में आने वाले शाहपुरा गांव का मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव में 95% से ऊपर ही रहा है, लेकिन गांव के नीरज को टिकट नहीं मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। हालांकि छिंदवाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर समेत अन्य अधिकारियों ने ग्रामवासियों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल साबित हुए। हमारे यहाँ से चौरई विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ जी ने बंटी भाई को कह दी कि आप तैयारी करो, आपको वहाँ से लड़ना है चुनाव। और बाद में उनको नहीं कह दिया। हम लोग फिर यहाँ से 2-3 हज़ार आदमी गए, फिर उनसे हमने जाके निवेदन किए, हाथ जोड़े। उन्होंने हमको वहाँ से बड़ा अभद्र व्यवहार करके वहाँ से हमको कह दिया कि आप जाइए यहाँ से, जो मैंने निर्णय लिया दे दिया। बस गांव के लोगों ने फिर मन में विचार किया कि किसी को वोट दो मत। तो हम खड़े हैं छिंदवाड़ा विधानसभा के शाहपुरा गांव पे, जहां पर अब तक जो जानकारी निकल के सामने आई है, एक भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा है। उसकी मेन वजह ये बताई जा रही है क्योंकि यहाँ शिवपुरा के रहने वाले बंटी पटेल थे, कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने चोरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप पर नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव का बेटे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते ग्रामीण जो है नाराज है। अब तक जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर है, लेकिन अब तक जो है ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला है। आइए हम आपको दिखाते हैं जो पीतश्री अधिकारी हैं, वो सब तमाम जो अधिकारी हैं सब बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा है। आइए हम बात करते हैं अधिकारी से। सर, मतदान करने के लिए अभी कोई पहुंचा ही नहीं पहुंचा है सुबह से, अभी तक तो वर्तमान तक तो कोई नहीं आया था। क्या रीज़न है इसका नहीं पहुंचने का? अब रीज़न की तो हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो जो ट्रेनिंग में अधिकारी लोग बताते हैं कि आपको जो प्रक्रिया से चुनाव करना, उस प्रक्रिया से अपन ने मकपोल करा लिया, 52 वोट मकपोल में डाले गए, 2 एजेंट लोग आए थे उनके सामने वोटिंग की पूरी प्रक्रिया कर दी, मशीनों की सीलिंग कर दी गई, इसके बाद एक भी वोट डालने अभी तक नहीं है। अधिकारियों ग्रामीणों को मनाने पहुंचे? हाँ, तहसीलदार महोदय जी आए थे, उनके द्वारा 50-60 घर 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 जाकर निरीक्षण की, मतलब एक जागरूकता के माध्यम से गए थे कि क्या बात है, वोटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं बताया ग्राम लीजनों ने। देखिए, साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि जो मतदाता है अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों पर कांग्रेस जो प्रत्याशी थे उसमें उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि बंटी पटेल जो है चोरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चोरी विधानसभा से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब देखना ये होगा कि शाम तक प्रशासन ने अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में कितने कामयाब होते हैं, तो वक्त बताएगा। अनादि टीवी टॉपिक छिंदवाड़ा।